अच्छा पापा मैं चलती हूँ, और आप शाम को घर जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा बेटे, आ जाऊंगा। ठीक जा, लड़की भी है, उड़ा दो दोनों को। पगली फिर भूल गई अपना टिफिन। दिव्या, दिव्या बेटी। हाँ पापा। अरे टिफिन भूल गई है। पटाखों का बारूद जब जलता है तो रोशनी पैदा करता है, लेकिन यही बारूद किसी की जिंदगी में अंधेरा कर दे तो। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। एक आदमी को पटाखों की दुकान में, जो कि उसी की थी, उसमें जिंदा जला दिया जाता है। कौन था जिसने इस खतरनाक साजिश को अंजाम दिया था? किसी को बारूद में झुलसा देने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये कोई एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये चौंका देने वाली घटना। इस घर को तुड़वा कर अपनी फैक्ट्री के लिए नया गोदाम बनवाते हैं। जगह बहुत बढ़िया है, घर के पास रहेगा तो कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। ये सब क्या चल रहा है प्रताप, और तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? अरे कुछ नहीं गिरधर जी, बस अंदाजा ले रहे हैं। करता हूँ मैं आपसे बाद में बात। अंदाजा? अंदाजा किस बात का? मेरे घर को गिरा कर गोदाम बनाने का? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? और मैंने तुम्हें कई बार कह दिया है कि मुझे मकान नहीं बेचना, फिर बार बार क्यों आ जाते हो? अरे मेरा दिमाग खराब है जो इस धूप में बार बार आकर यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। अरे गिरधर जी आप अंदर जाइए, कुछ ठंडा वंडा पीजिए, ठंडे दिमाग से बैठ के आपके साथ बात करूंगा, समझे? आओ कॉन्ट्रैक्टर चलते हैं। बहुत बदतमीज है प्रताप, नहीं सुधरेगा ये, नाक पे दम कर रखा है। और तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? तुम्हारे सामने घर की नपाई कर रहा है और तुम पता नहीं कब मिलेगा इसे छुटकारा। तुम्हारा नंबर क्या बजा कि दिल के तार बज उठे? हो गई तुम्हारी शायरी। सुनील तुम फ्री हो? मुझे तुमसे मिलके कुछ जरूरी बात करनी है। ए, आपके लिए तो हमेशा फ्री है मेरी जान। कहिए कहाँ दीदार नसीब होंगे जनाब के? वहीं जहाँ हमेशा मिला करते हैं। ठीक है अभी आ जाते हैं। अबे कहाँ है यार, कटता है कि तो कितना झटका मार रही है बे? वो दिखा। ये ठीक लगता है। ले लो इसका हिसाब करो, अड्डे पे मिलते हैं। ठीक है हम जरा हल्लो बोल के आते हैं। छतरी ला। अरे ओ दिव्या, ओ सुनो तो, अरे काहे धूप में सनबात ले रही हो? बेकार में काली हो जाओगी। हमारी छतरी में आ जा, हम छोड़ देते जा जाना है तुम्हें। हाथ छोड़ो हमारा, हम चले जाएंगे, हमें ये सब पसंद है। अरे हाँ हाँ चले जाना, अरे हम तो सिर्फ लिप दे रहे हैं अपनी छतरी में। नहीं आना तो ठीक माता, लेकिन अगर शादी के लिए ना कही ना तो बिना बारात के पूरे शहर में आतिशबाजी करवाएंगे, वो भी बारूद से, समझेगा?
हटो। अरे अरे दिव्या सुनो तो, हे शादी तो हम तुमसे ही करेंगे, लव यू। हाँ हेलो, आ रहे हम। साला रोमांस भी नहीं करने देते। क्या है जी प्रताप बाबू, ये सब तो ठीक है लेकिन जो बिजनेस बढ़ रहा है उसका क्या करें? अब ये बंदूकें बारूदे ये सब कचरे में तो फेंक नहीं सकते ना, उसके लिए और बड़ी जगह चाहिए, और बड़ी। ऐसे भी सुनने में आया कि यहाँ पर रोड का कॉन्ट्रैक्ट पास हो चुका है और ये सरकारी कुत्ते आएंगे, ये अफसर हाँ बुलडोजर चलवाएंगे तो गोडाउन के साथ साथ बिजनेस भी चौपट, पानी फेर देंगे उस पर, क्या करें बताए? तुम बंदूक और कारतूस पे ध्यान रखो बस, सिर्फ गोदाम की चिंता तुम मत करो, उसके लिए जगह मैंने देख ली है। सुनील तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया, कहाँ रह गए थे तुम इतनी देर? इतना गुस्सा करोगी तो खून उबल उबल के सूख जाएगा तुम्हारा। कुछ काम था इसीलिए लेट हो गए, कान पकड़ के सॉरी कह रहे हैं। मुझसे ज्यादा जरूरी काम था? अब खुद ही सोचो, तुमसे जरूरी काम रहा होगा तभी तो लेट हुए। रहने दो, तुम तो कुछ भी बोलते रहते हो। अरे दिव्या जी मुरझाइए नहीं, ये देखिए आपकी पसंद का फूल लाने गए थे इसीलिए लेट हो गए, अब पकड़िए इसे और थोड़ा सा मुस्कुराइए। बात क्या है, पिछले 3-4 बार से देख रहे हैं, मुस्कुराहट क्या छुट्टी पे गई है क्या? हैं? तुम्हें तो पता है सुनील घर के हाल, घर जबरदस्ती तोड़ने की बातें चलते रहती है, ऊपर से पापा इतना परेशान रहते हैं, और आज आज तो हद हो गई, वो जब्बार जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गया था। सुनील तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? कर सकते हैं ना, हवाम से बहुत सारा प्यार कर सकते हैं लेकिन आप है ना हमें चांस ही नहीं देते हो। इधर देखो, तुम टेंशन ना लो, हम हैं ना। ओहो जब शरीर नहीं चलता तो क्यों करते हो ये सब? बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी आप। अरे गिरधर बाबू इस उम्र में अपनी एनर्जी और पैसा क्यों वेस्ट करते हो, समझाइए भाभी जी इनको। अपने शहर में फ्लैट के नए नए प्रोजेक्ट आए हैं, कोई एक पसंद कर लीजिए, डिस्काउंट मैं दिलवा दूंगा। फ्लैट सिर्फ ईंट पत्थरों से बनता प्रताप, जबकि घर घर खून पसीने की कमाई से बनता है जिसमें यादें सजोई जाती हैं। लेकिन तुम जैसा घटिया इंसान इन एहसासों को क्या समझेगा? अरे तो नए फ्लैट में पुताई कर करके उसमें पसीना आप मिला लीजिएगा, खून मिलाने में मैं आपकी मदद कर दूंगा। और रही बात यादों की, तो तुम्हारी बेटी की उम्र हो रही है शादी की, एक जन जनाता हुआ फोटो उसकी शादी में खिंचवा दूंगा, लगा लेना अपने फ्लैट की दीवार पर, उम्र भर के लिए यादें बन जाएंगी। मैं ये घर किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा, अब अच्छा होगा निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। आप बिना गुस्सा किए मानेंगे नहीं, अब एक बात मेरी भी ध्यान से नोट कर लो, एक महीना देता हूँ तुम्हें मैं ये घर खाली करने के लिए, वरना बारूद का धंधा है मेरा, तुम्हारे इस आशियाने को राख का ढेर करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझा? ले पकड़, वे पकड़, चाय पी और अपना दिमाग ठंडा रख, चलता हूँ मैं। आप दोबारा हिम्मत मत करना मेरे घर पे आने की। हाँ बोलिए। घर को लेके पापा के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है,
प्लीज तुम कुछ करो। ए, तुम चिंता ना करो, हम है ना सब संभाल लेंगे। तुम ना बस जल्दी से एक चुम्मा दे दो, कहा है ना कि रात को नींद नहीं आएगी हमका। काहे थपड़ी आदि हमका, कहा कि करते हैं फोन बाद में। इश्क बाजी में पड़े रहते हो, अपने यार दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, बड़े डॉन बन रहे हो आजकल। एक लगाऊंगा और अभी घुमाकर। बाबूजी बिना कारण मारेंगे, कहा किए हैं हम ऐसा? अरे कुछ किया नहीं, इसी बात का तो दुख है ना लायक। तेरे भरोसे रहता तो ये घर कारोबार सब बिक जाता। तो भला हो जब्बार का जिसके भरोसे थोड़ा काम चल रहा है, नालायक कहीं का। फिर पड़ोस में कहे गए थे बवाला करने, जब सब ठीक चल रहा है तो। तुझे कैसे पता चला बे? हैं? बोल। अब बाबूजी बात होती है तो पहुंच ही जाती है ना आप। मुझे बड़ी फिक्र है उनकी, बोल ना क्या बात है, बोल। प्यार करते हैं हम दिव्या से बाबूजी। अबे तेरे बचपन का प्यार जवानी में उबाल मार रहा है। एक बात सुन ले सुनील, ये प्यार व्यार तो ठीक है मगर शादी की रेट मत लगाना। शादी तो हम दिव्या से ही करेंगे बाबूजी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। एक बात अपनी बुद्धि में घुसा ले सुनील, ये ब्याह शादी रिश्तेदारियाँ बराबरी में की जाती है, इसकी औकात ही क्या है हमारे सामने। बाबूजी प्यार में ऊंच नीच, ये जात पात, ये बराबरी नहीं देखी जाती है। हम दिव्या से प्यार करते हैं और शादी भी उसी से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आप आशीर्वाद दें या ना दें। तो ठीक है, जब तुमने सोच ही लिया तो फिर कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। अब पटाखा तो फोड़ना ही पड़ेगा। आज पूरा 10 साल हो गए हमारे प्यार, और इस 10वीं सालगिरह पे हम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत गिफ्ट लाए। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। गिरधर जी, ओ गिरधर बाबू नमस्कार। अभी कौन से नया पैंतरा पड़ता? अरे गिरधर जी, मेरे चेहरे पे क्या हिटर लग रहा है, जिसे देखते ही आपका पारा बढ़ जाता है। अरे मेरे हाथ में गिफ्ट है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, कारण नहीं पूछिएगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ, आज हम आपसे संधि सुलह के लिए आए हैं। अरे भाई क्या करें, बच्चों की जिद के आगे अच्छों को झुकना पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं समझा नहीं। देखिए ऐसा है, अब ये घर वर की बात तो रहने दीजिए, मुझे तो बस अब आप अपनी बेटी दिव्या बहू के रूप में दे दीजिए। मेरी बेटी दिव्या तुम्हारे घर की बहू बनेगी? क्या बकवास करते हो? अरे आपका लाउड स्पीकर बंद ही नहीं होता, थोड़ी आवाज नीची रखिए और अपनी बेटी से पूछिए कि वो मेरे बेटे से शादी करना चाहती है या नहीं, उससे प्यार करती है या नहीं। अरे पूछिए पूछिए। दिव्या, दिव्या बेटी, क्या ऐसा ही कह रहे हैं? बोलो। बोल बेटी, क्या कह रहे हैं ये लोग? जी पापा। लीजिए मिल गया सबूत, आपको रिश्ता मंजूर है ना गिरधर जी? मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, अभी आप अपने घर जाइए, मैं आपको अपना फैसला बताता हूँ। जैसी आपकी इच्छा, मैंने आपको अपने मन की बात बता दी। देखिए ऐसा है, मुझे आपकी बेटी दिव्या को अपने घर की बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, और एक वादा करता हूँ कि वो खुश भी रहेगी। आओ बेटा सुनील, इन्हें थोड़ा सोचने का वक्त देते हैं। नमस्कार गिरधर बाबू। तूने अपने बाप को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया बेटी? मैं क्या करूं, मैं कैसे हाँ कह दूं इस रिश्ते के लिए? क्या बात है ससुर जी,
आपके और हमारी सोच तो एकदम एक है। हाय लागू, हसुमा कैसी हो आप? आओ रे, हाँ कायम मानेंगे आप रिश्ता? आखिर में ये तो हमारी अमानत है ना। ए, हाथ हटाओ साहब, हाथ हटा वरना पुलिस को बुलाकर तुझे अंदर करवा दूंगा। अरे का ससुर जी, धमकी भी तो धमकी दीजिए ना। क्या कर लेगी पुलिस जब्बार का? 90 केस का हिसाब तो अब तक कर नहीं पाई पुलिस। हाँ एक और बढ़ना चाह रहे का? प्यार से बोल रहे, समझ जाइए का, अगर ये हमरी ना हुई ना और किसी की भी ना होगी, समझेगा? इसे धमकी मत समझेगा, चेतावनी समझेगा। क्या समझो? चेतावनी। अरे ससुर जी आते हैं, आते हैं। जब्बार एक खतरनाक और वांटेड क्रिमिनल था। उसके खिलाफ काफी केस दर्ज थे लेकिन पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से वो बच निकलता। लेकिन अब वो खुलेआम बेखौफ दिव्या को छेड़ने लगा था। दिव्या को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। जब्बार की जुर्रत इतनी बढ़ गई थी कि उसने दिव्या के पिता को धमकी दे दी थी। गिरधर के लिए ये आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई थी। एक तरफ सुनील के पिता उनके घर को हड़पना चाहते थे और दूसरी तरफ बदमाश जब्बार। अब सवाल यह था कि जब्बार का अगला कदम क्या होने वाला था। बताएंगे प्यार का होता है। बहुत हो गया इस लव स्टोरी का खेल, अब धमाका तो करना ही पड़ेगा। सगाई का मुहूर्त हो गया है, अंगूठी पहनाइए। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए ये लीजिए। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। जरूर किसने बम लगाया था? किसी की जान जाए इसके लिए नहीं, बल्कि ने सगाई का प्रोग्राम रुक जाए, वरना इतने बड़े धमाके से हम में से कोई नहीं बचता। आप ठीक कह रहे हैं, बारूद का गंध भी आ रहा है। पापा ये देखिए निशान, पापा ये देखिए बम के रस्सी के जलने के निशान। बारूद का धंधा मेरा है और आपकी पटाखे की दुकान है, फिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे घर को बम से उड़ा दे? मुझे पता है ये किसने किया। किसने? जब्बार। जब्बार, Thank you.
कुछ लोगों के लिए लड़की को पाना सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब्बार दिव्या को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था, उसने दिव्या को शादी के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया था, और जब दिव्या और घर वालों ने मना कर दिया तो उसने उनके घर में ब्लास्ट कर दिया, और फिर गिरधर की जान लेने की कोशिश भी नाकाम रही। लगातार प्लान फेल होते हुए देख, अपने हाथ से दिव्या को जाते हुए देख, जब्बार की बौखलाहट और बढ़ गई। ले जाऊंगा। ठीक है, ये चरखी? नहीं नहीं पापा। अरे दिव्या आ गई, आ जाओ अंदर। आज पापा कितना काम करेंगे, अब आप यहाँ चुपचाप बैठिए और गर्मा गर्म चाय पीजिए। नहीं सुनेगी ना मेरी बात, मेरी आदत बिगाड़ के रहेगी। अच्छा एक बात बता, कल तेरी शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर मैं किसके हाथ की चाय पीऊंगा? पापा कल भूकंप आएगा, क्या उसके डर से सांस लेना छोड़ देंगे? ओ मेरी दादी, तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। तो मत करिए और चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। थैंक यू दिव्या, लड़की भी है। उड़ा दो दोनों को। पापा घर जल्दी आ जाना, मम्मी बोल रही थी कुछ काम है उन्हें। ठीक है। अच्छा पापा मैं चलती हूँ, और आप शाम को घर जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा बेटे, आ जाऊंगा। जा। अगली फिर भूल गई अपना टिफिन। दिव्या, दिव्या बेटी। हाँ पापा। अरे टिफिन भूल गई है। प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे अब आप लोग यहीं खड़े रहेंगे तो जांच पड़ताल कैसे होगी? बाहर जाइए, लोगों से पूछिए आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। पुलिस को उसका काम मत समझाइए, हम कर रहे हैं ना अपना काम। देखिए हमने पूछताछ की है, हमें पता चला है कि कुछ बच्चे वहाँ पटाखे जला रहे थे, और हमारा ऐसा अनुमान है कि उसी पटाखों में से एक चिंगारी छटक कर दुकान में आ गई, जिससे दुकान में रखे पटाखों में भी आग लग गई और दुकान जलकर राख हो गई। लेकिन ये हमारा सिर्फ अनुमान है, अभी पूरी जांच होना बाकी है। उमेश एक काम करो, डेड बॉडी को फटाफट पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, मुझे रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। अरे मिश्रा जी मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है। हाँ उमेश सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गिरधर की? जी सर। इसका तो कब से इंतजार था उमेश। उमेश ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के रिजल्ट तो बड़े चौंकाने वाले हैं, हमें इसकी फैमिली से आज ही मिलना होगा। मर्डर? हाँ दिव्या मर्डर। हमारी फॉरेंसिक टीम को बम की सुतली के निशान मिले हैं, तो निशान दुकान में बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, और जिस तरह का बारूद ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ है वो बारूद दुकान में मौजूद पटाखों में नहीं होता, उस बारूद का इस्तेमाल स्पेशली बम बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी ने गिरधर जी के खून की साजिश रची और उसमें वो कामयाब भी हो गया। आपको किसी पे शक है? जब्बार। उमेश इस जब्बार की कुंडली निकालो। सर बहुत पुराना मुजरिम है, बहुत सारे केस चल रहे हैं उस पर, लेकिन अभी तक सजा नहीं मिली उसे। अवैध हथियार और गोला बारूद का अवैध धंधा भी करता है सर। उमेश जब इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास तो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर कई बार हिरासत में लिया उसे, कानूनी दांव पेच व अच्छे वकील की वजह से हर बार छूट जाता है। इस बार नहीं छूटेगा, सीधे फांसी के तख्ते पे लटकाऊंगा। चलो चल के अरेस्ट करते हैं।
बताओ साहब, साहब मैं बता दूं, साहब जब्बार 3 दिन से लापता है साहब, साहब वो शहर छोड़ के भाग गया है साहब। सच कह रहे तुम? सच कह रहा हूँ साहब। हवलदार खातिरदारी करो इसकी। सर शायद ये सच बोल रहा है। तुम ठीक कह रहे हो उमेश, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही उमेश, लड़की के इश्क में पागल हो जाना, उसके बाप को मारने की धमकी देना, ये तो बड़ी आम बात है। जी। ये जब्बार गिरिधर को क्यों मारेगा? अगर उसे मारना ही होगा तो वो सुनील को मारेगा, जिससे उस लड़की की शादी होने वाली थी। आखिर ये जब्बार गिरिधर को मारकर साबित क्या करना चाहता है? और उमेश, अगर इस तरह का आदमी सचमुच में दिव्या से प्यार करता था ना, तो ये गुंडा उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मेरा मतलब है उसे किडनैप भी कर सकता है। हो सकता है सर। जब्बार का खेल समझ में नहीं आ रहा, ये खेल समझने के लिए उसे पकड़ना पड़ेगा उमेश। जी सर। जब्बार का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। पुलिस की गाड़ी हमको ढूंढते रहेगी, पर जब्बार इनके हाथ कभी ना आएगा, पर हमारे हाथ दिव्या जरूर आएगी। चलो। सुनील कहाँ ले जा रहे हो? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे मम्मी को दवाई हम दे दिए, अब यार कुछ घूमो फिरो है, यहीं पे मम्मी की थोड़ी टेंशन करती रहोगी। दिलवाले हम हैं और दुल्हनिया तुम ले जाओगे। हाँ सुनील, ये कौन सी स्टोरी है भाई? जब्बार बहुत गलत कर रहा है, तेरे पूरे खानदान को बम से उड़ा दूंगा मैं। चुप, अभी चाहे ना 1 मिनट में गोली मार दे, अभी मार दे। का मारे? डर लग रहा है? हाँ लग रहा है का? डर लगना भी चाहिए। अब इसका स्वाद चख ले, चखना है का? हाँ चखना है इसका स्वाद, बोल चखना है। अपना मुंह खोला ना, पक से उल्टी की ना अगर पुलिस के सामने, तो इसकी तो जान जाएगी, साथ में तुम्हारी भी जाएगी। समझा? और तुम बहुत खेल ली कबड्डी कबड्डी, अब चलो हमारे साथ। अरे क्या कर रहे हो? भाभी है तुम्हारे, क्या कर रहे हो यार? आराम से लग जाएगा, नाजुक है, तुम चलो हमारे साथ। नहीं छोड़ो छोड़ो, हमको नहीं जाना है तुम्हारे साथ। अरे हम पूछ नहीं रहे, बता रहे तुमसे, चलो हमारे साथ। हमारे साथ नहीं चलना। चलो हमारे साथ, चलो। सुनील, सुनील, सुनील। अरे कहाँ सुनील है? चलो हमारी जान, चलो। जब्बार। हाँ मिलता है बाद में। जब्बार। सुनील। चलो हमारे साथ। अरे चलो। आराम से। बचा सुनील। चलो बचा ना। सुनील। अरे छाव छाव। हम लोग वहीं पहुंच गए हैं। ड्राइवर गाड़ी जरा तेज लो। सुनील दिव्या को किसने किडनैप किया? जब्बार ने। कहां ले गया होगा वो उसे? सर वो, अरे बेटा सुनील घबराओ मत, सच सच बताओ। सर मैं उनकी शक्लें नहीं देख पाया सर, उन्होंने नकाब पहन रखा था। सुनील डरने की कोई बात नहीं है। डरिए मत, मेरे बेटे को गोली लगी है, मेरी होने वाली बहू किडनैप हो चुकी है, मेरे समधी को किसी ने जान से मार डाला, और आप कहते हैं कि डरिए मत। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में हर इंसान डर ही जाता है, और आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए और जाकर मेरी बहू को ढूंढिए। अब आप हमें हमारा काम सिखाएंगे? पुलिस को क्या करना है क्या नहीं करना हम अच्छी तरह जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, जब्बार जहां कहीं भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। रोने वाली दुल्हन के साथ सुहागरात कैसे मना सकते हैं हम? हाँ अच्छी बात नहीं है, क्या करें बताओ, क्या करें?
थप्पड़ मार के गाल लाल करने से पहले खुद ही मेकअप करके लाल हो जा, ठीक है? हम छोड़ो जब्बार। अरे कहाँ छोड़े, किसके लिए छोड़े? हाँ प्लीज हमारा पास बताओ। क्या हुआ, हमने कुछ खराबी हुआ था? अरे रो नहीं यार, रो नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो तो। हंसो, तुम हंसती हुई बड़ी अच्छी लगती हो हमको, हंसो। हाँ ऐसे। अरे ये आ गए प्यार के दुश्मन। एक मिनट, हाँ फोन दिखा के वापस आते हैं। हाँ हेलो, हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। अरे माल पूरा है। हाँ आते हैं अभी, ठीक है? क्या हुआ बताइए। अरे माल पूरा है, बोले ना। क्या वहां पर भी नहीं है वो? ठीक है तुम अपनी सर्च जारी रखो, कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही है। इतनी जल्दी ये दिव्या को लेकर गया कहां होगा जब्बार? सामने पूरी दुनिया से खुशियां रखना चाहते थे और तुम वो क्या हमसे भागती फिर रही हो? हाँ तुम्हें जब बात का प्यार नहीं चाहिए ना, तब दुश्मनी देख लो, देख लो दुश्मनी। खून, अवैध असलों का धंधा, फिरौती, अपहरण, कुल मिलाकर 90 केस हैं तेरे ऊपर। और हर बार तू बच निकलता था ना, कभी गवाह नहीं पहुंचते कोर्ट में तो कभी सबूत बदल दिए जाते, लेकिन इस बार तेरे खिलाफ ऐसा केस बनाया है कि तू बच नहीं सकता। तुझे तो सजा मिलना पक्का है बेटा। हंस रहा है, हंस रहा है, कानून को खेल समझते हैं, हंस रहे हैं। अरे हमारी कुंडली हमें को सुना के कहां करोगे इंस्पेक्टर साहब? हमारा एक गुनाह है ना, क्या हम इसके प्यार में पड़ गए थे? और आप क्या था गए? तूने दिव्या के बाप गिरिधर की खून की साजिश रची, हाँ? उसके सारे सबूत हैं मेरे पास, अब देखता हूं तू कैसे करेगा सबूतों को गायब। हमने गिरिधर को नहीं मारा। तो किसने मारा गिरिधर को? बताता हूँ साहब, बताता, मुझे अपने गोदाम के लिए
गिरधर के घर की जमीन की जरूरत थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी मगर वो किसी भी तरह तैयार ही नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे सुनील ने मुझे बताया वो उसकी बेटी दिव्या से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है। मैंने सोचा गिरधर घर छोड़ देगा, पर नहीं, उसकी तो जान अटकी थी उस मकान में। मैंने सोचा वो मर जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी दिव्या के नाम हो जाएगी और उससे मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, मेरा काम आसान हो जाएगा। वाह, गजब का प्यार है तुम दोनों का। तेरे यार के बाप ने कहानी क्या सुनाई, सभी ने सुन लिया। और मान भी लिया। हाँ उमेश, जब्बार कहना क्या चाहता है? व्हाट? क्या कहना चाहते थे? अरे वो दिव्या का कमी रह गई थी हमें पता। हाँ अरे जो भी है, लेकिन तेरे बापू के कातिल तो नहीं है ना, जिसकी मेहंदी तो अपने हाथों में लगाना चाहती है ना, जिसको तू लिपट के रो रही है ना, ये तेरे बाप का कातिल। सुनील, ये जब्बार क्या कह रहा है? चुप क्यों बोलो? दिव्या तू है असली मस्टर्न, बता क्यों मारा गिरधर को? क्यों मारा गिरधर को? हम बोलते दरोगा साहब, इसके मुंह खोलने में टाइम लगेगा। सारा प्लान प्रताप का था। बेटा अगर तू मेरी बात मानेगा ना तो तुझे वो लड़की और मुझे वो मकान मिल जाएगा। बहुजी जैसी आपकी मर्जी। मुझे तो लगा कि मुझसे बड़ा कमीना और कोई हो ही नहीं सकता, पर ये बाप बेटे तो मुझसे भी बड़े कमीने निकले। जी बाबूजी। अरे सुनील बोला ना, उड़ा दो दोनों को। पर बाबूजी दिव्या। अरे ठीक है, जब लड़की निकल जाए तो गिरधर को उड़ा दो, बचना नहीं चाहिए। जी बाबूजी। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते, शादी करके साथ रहना चाहते, लेकिन तुम तो जब्बार से भी घटिया निकले। दिव्या ने सुनील पर अंधा विश्वास किया और सुनील ने इसी भरोसे का फायदा उठाया और उसे धोखा दिया। वहीं गिरधर का घर हड़पने का लालच प्रताप पर इस कदर हावी हो गया कि उसने गिरधर की हत्या ही करा दी। और वहीं दूसरी तरफ जब्बार एक आदतन अपराधी था और दिव्या को पाने की चाहत में वो हर हद को पार कर गया। सुनील तोमर और प्रताप तोमर को गिरधर तिवारी की हत्या करने के लिए और हत्या की साजिश के लिए आईपीसी की धारा 302 और धारा 108 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं दिव्या तिवारी की जान खतरे में डालने के लिए जब्बार को धारा 503 और धारा 506 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। दिव्या की हिम्मत की बदौलत ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर पाई। इसी के साथ मैं सौरभ राजन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।